आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो टुडे आवर क्वेश्चन इज रीड द पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो सैडल क्वेंस आर फाउंड इन कंसीडरेबल नंबर्स एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीरीज़ एज अ रूल they were roughly made of hard, gritty, igneous rock or sandstone, and mostly show signs of hard uses. as their bases are usually convex, they must have been set in the earth or in the mud to prevent their rocking. two main types have been found, those on which another smaller stone was pushed or rolled to and fro, and others with which or rolled to and fro, and others with which a second stone was used as a pointer. Eventually making a large cavity in the neither stone. Coins of the former type were probably used solely for grain and second type was used for pounding verbs. Moving on further, it has different information about the coins given. So let us see about our question. What our question tells. Our question is mention any two ways in which the archaeologist classify finds.

ऑर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खुदाई वगैरह में उन्होंने पाया कि उनको ना टू टाइप्स के स्टोन मिले पहला वाला क्या था कुछ ऐसा सीन था उसमें ऐसा और उस स्टोन को ना हम ऐसा करके टू एंड फ्रो ऐसा रब कर देते लाइक दिस समथिंग ऑफ दिस टाइप कुछ कुछ में क्या पाया कि कुछ कुछ ऐसे हैं और यहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ है वो स्टोन टू एंड फ्रो कर रहा है कुछ टाइप में क्या पाया गया कि कुछ आपने सुना होगा चक्की को चक्की के बारे में ऐसा कुछ उन्होंने शेप पाया ये मूविंग स्टोन था और नीचे वाला स्टेशनरी स्टोन था और यहाँ पे कैसा होल टाइप का लगा हुआ था अब यहाँ से उन्होंने सोचा कि हम कैसे क्लासीफाई करें तो क्लासीफाई जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने सबसे पहला वे कौन सा डिटरमाइन किया उनके फंक्शन का तो जो उन्होंने वे डिटरमाइन किया अपने फंक्शन का दैट वाज़ उन्होंने अपने प्रेजेंट यूसेज को देखा प्रेजेंट यूसेज जो क्वेंस का है आज के टाइम में उन्होंने उससे उसको लिंक किया कि क्या यूज रहा होगा पहले जमाने में ऑब्वियसली वो वही रहा होगा ना जो अभी हम प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं अगर हम वेस की बात करें कि उन्होंने क्लासीफाई कैसे करा तो क्लासीफाई के लिए हमने देखा कि उन्हों के पास सबसे पहली चीज आई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिफरेंट मिल रहे थे जैसे जैसे खुदाई वगैरह हो रही थी सेकंड चीज उन्होंने क्या देखी कि जो स्टोन्स है उनका मूवमेंट मे बी वहां पे कुछ मार्क्स आए होंगे या कुछ डिफरेंट चीज होगी तो मूवमेंट ऑफ स्टोन एक बहुत बड़ा बताता है कि किस टाइप के Coins उस टाइम में रहे होंगे। को so हमने देखा कि यहाँ पे जो भी हमारा वेज है वो हमको पता चल गया हमने कैसे फंक्शन डिटरमाइन किया अपने प्रेजेंट से, हमने कैसे क्लासीफाई किया तो स्ट्रक्चर के बेसिस में और मूवमेंट ऑफ स्टोन लाइक ये सर्कुलर मूव करके हो रहा था दिस वॉज मूविंग टू एंड फ्रो दीज आर ऑल द वेज एंड फंक्शंस दैट हैज बीन डिटरमाइंड आई होप यू इट थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता है आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट चार सौ चार सौ पर